बेंचो, नादर चो, जो मर्जी बोलना बोलो। गूगल वाले हम प्रैक्टिकल वाले करता हूँ ना साले को सांस पूरा लेना आता नहीं भाई। तुम सबकी दाल रोटी चल रही है उससे सीधा एक्सरसाइज के बाद बात करता हूँ तभी सांस चढ़ता है, और तुम ये करते रहो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। दाल रोटी चल रही है ना, चलाओ। यश भाई आपने दबंग मूवी देखी ना? दबंग देखी है। उनका नाम क्या होता है? पांडे, पांडे जी। तो पांडे जी रेंज ऑफ मोशन कैसी लगी? याद है ना दबंग वाले पांडे जी? दबंग में तो पांडे जी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना वो दबंग थे ये हुड़हुड़ दबंग है, ये ऑनलाइन दबंग है। बातें करते हैं रेंज ऑफ मोशन की और खुद की बॉडी। अबे बॉडी बना पहले। अगर हम मैगी से व्यूज ले रहे हो राइट, मैगी से फिर ऐसी बॉडी भी तो बनाओ। आप इस तरीके से खड़े हो रहे हो, ऐसे आप ऐसे करके ऐसे खड़े हो रहे हो, मतलब ये क्या है? जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो यहाँ से हमारा कोर जो है ना बड़ा सेडेड दिखता है, छोटा दिखता है, पतला दिखता है। रीजन क्या है कि ये हमारा पार्ट जो है ना ऐसा है, फैला हुआ है। बोलते हैं ना अरे साइड में खड़े होके दिखा रहे हो, फ्रंट में दिखाओ। अरे अरे जो अगर फ्रंट की कंडीशन ऐसी होगी तो ही तो साइड की ऐसी दिखेगी। वेट अ सेक, मैंने बताया कि 4000 की बनियान है? ये तो बताया नहीं आज कि मैंने ये अंडर आर्मेंट की पहनी हुई है, ये 13, ये 3000, ये 2000, ये 11। भाई कभी भी आपने कहावत सुनी होगी, अदकल गगरी छलकत जाए। कहावत है कि जब पेड़ पे फल लग जाते हैं तो वो झुक जाता है। तो भैया जो अमीर इंसान होता है वो कभी दिखाता नहीं है। सॉरी, क्योंकि ये नाइक की नहीं है। अच्छा, ये नाइक की नहीं है, अंडर आर्मर की है। अंडर आर्मर की है, अंडर आर्मर की है, नाइक की नहीं है। नाइक होता है, नाइकी होता है। अभी मैं शॉपिंग करके आ रहा हूँ नाइकी का। नाइकी तो पता होगा आपको ब्रांड, अंडर आर्मर इसमें कोई चिंता नहीं। ये 18000 रुपए की शॉपिंग करके आ रहा हूँ अभी मैं। ये बैग भरा पड़ा है, अब मैं सारी चीजें तुम्हारी तरह नहीं दिखाऊंगा। रामनिवास भाई ने इतनी बातें बोली मेरे बारे में, बहुत बातें बोली मेरी वाइफ के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरी अपब्रिंगिंग के बारे में, राइट? आप सबने वीडियो भी देखा होगा। वो जिन गोलियों खाने से पैदा हुआ होता है ना, यही खा के तो पैदा हुआ था, इसलिए तूने ये वीडियो डाल दी। जो इंसान एक कोंडम की ऐड करके, मतलब एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो औरत को भी वीडियो में लेके आ सकता है, वो किसी दूसरी औरत की क्या इज्जत करेगा भाई? 20-20 साल से चिकन अंडे खा रहे हैं, आज तक कोई ओलंपिया नहीं गया। आप जब बॉइल्ड फूड खाते हो, इट डजंट टेक यू टू द इंटरनेशनल स्टेज। जनरल स्टेटमेंट। तो अगर दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। अगर रामनिवास भाई को वो बात बुरी लगी है मेरी, क्या बोल रहा हूँ, बुरी तो लगी है, भाई ने इतना लंबा वीडियो बना दिया, बुरी लगी है, तो माय अपोलॉजीज मैन। उसकी वजह से मुझे भी बहुत वल्गर कमेंट्स आते हैं, मतलब बहुत वल्गर, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर रामनिवास मलिक। देखा रामनिवास भाई बहुत वल्गर, देखो आपने देखा anyone. आपना आपका अपना पर्सपेक्टिव रहा होगा, जो भी रहा होगा, आई गिव यू दैट, बट किसी लेडी के बारे में ऐसे मत बोला करो यार। आई विल ऑलवेज से आपके घर आए हुए हैं हम, आपके साथ हमने खाना खाया हुआ है, आई मेट योर पेरेंट्स, आई मेट योर वाइफ, आई मेट एवरीवन। नहीं, लेट मी फिनिश इट, मुझे पता तुम्हें गुस्सा है, राइट? वी हैव डन ऑल दैट, राइट? हमने एक टेबल पे बैठ के खाना खाया, सो देयर इज सम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट? आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, यू कैन से एनीथिंग, बेंचो, नादरचो, जो मर्जी बोलना बोलो, बट डोंट गेट माई वाइफ इन टू दिस, डोंट गेट माई पेरेंट्स इन टू दिस। इमेजिन जो आपने मेरी वाइफ के बारे में बोला है, अगर मैं आपकी वाइफ के बारे में बोलूँ, अब आपको पता है आपके उस वीडियो से मेरी वाइफ को कैसे कैसे कॉमेंट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें आपको पता है? शायद नहीं पता होगा, एंड दैट्स वाई शी इज़ अपसेट। सो दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू, मे बी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस वेन यू से समथिंग, अपनी की अगर आपको कोई बात बुरी लगी है, यू कैन कॉल मी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना बनाओ, मेरे पे बनाओ ना, प्लीज़ मेरे पे बनाओ, डोंट गेट फैमिली इन टू दिस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आपको भी मैं ये बोलूँगा, वीडियोज मेरे पे बनाओ, फैमिली पे बनाओगे दैट्स नॉट अ गुड थिंग, स्पेशली आप जैसा टॉप बॉडी बिल्डर जो कंट्री के लिए जिसने इतना नाम रोशन करा है। मैं खुद हैरान था कि वो ऐसा कैसे बोल सकते, बट एनी वेज उनका कोई पर्सनल वेंडेटा रहा होगा, बट दैट्स डिफरेंट। बट मेरे बारे में बोलो ना। सर रामनिवास भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं अपॉलॉजीज, बट
यू डेफिनेटली नीड एन अपॉलॉजी टू माई वाइफ. आपने वो गलत बोला है, एक लेडी के बारे में गलत बोला है. मेरे मम्मी पापा के बारे में भी आपने गलत बोला. सो आई डोंट थिंक यू शुड हैव डन दैट, यू शुड हैव सेड इट. अगर मेरे को वो बात आपकी बुरी लगी, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग सॉरी, बट यू डेफिनेटली ओ एन अपॉलॉजी टू माई वाइफ, बिकॉज आपकी वजह से उनको बहुत गंदे कॉमेंट्स आ रहे हैं. आपकी वजह से वॉट शी इज गोइंग थ्रू इज नॉट राइट. डोंट डू दिस टू अ वुमन.